अगर आपको जल्दी से फैट कम करना है तो आपको कीटो डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। आपने ये अपने आसपास या इंटरनेट पे सबसे सुना होगा, है ना? मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक लड़की जिसने जल्दी वजन कम करने के लिए कीटो डाइट ट्राई करी, सिर्फ 3 हफ्तों में उसका 7 किलो वजन कम हो गया। उसे बहुत अच्छा लगा, उसे लगा जैसे उसे कोई जादू मिल गया हो। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद उसे बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान और पीरियड्स मिस होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इससे मन में सवाल ये आता है कि क्या कीटो वाकई में फायदेमंद है या ये बस एक शॉर्टकट है जिसका एक खतरनाक नुकसान होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको कीटो डाइट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं वादा करता हूं कि आपको इसके बाद कीटो के लिए कोई और वीडियो कभी नहीं देखनी पड़ेगी। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं और इस वीडियो में हम कीटो डाइट को पूरी तरह से समझेंगे। कीटो डाइट क्या है, केटोसिस के पीछे की साइंस, ये कैसे काम करता है, द डार्क साइड ऑफ कीटो, एंड फाइनली इज इट फॉर यू, किसे इसे फॉलो करना चाहिए और किसे कभी नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। केटोजेनिक डाइट ज्यादातर कीटो डाइट के नाम से जानी जाती है। लो कार्ब्स, मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट्स का कॉम्बिनेशन है। इमेजिन करो कि आपका शरीर एक कार है और कार्बोहाइड्रेट पेट्रोल है, मतलब हमारे शरीर का फ्यूल। अब सोचो कि आप अचानक अपनी कार में पेट्रोल भरना बंद कर देते हो, क्या कार बिना फ्यूल के चल सकती है? नहीं। लेकिन हमारा शरीर कार से ज्यादा स्मार्ट है। जब आप कार्ब्स खाना बंद कर देते हैं, मतलब ना चावल, ना रोटी, ना ब्रेड, ना चीनी और ना फल, अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल के बिना आपका शरीर घबरा जाता है। इसलिए यह एक अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स की तलाश करता है, जो कि फैट्स है। जब शरीर स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज करना शुरू करता है तो यह कीटोन्स नामक कुछ स्पेशल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है और इस फैट बर्निंग प्रोसेस को कीटोसिस कहा जाता है। तो बेसिकली कीटो डाइट का पूरा एम आपके शरीर को कीटोसिस में एंटर कराना होता है और अब शरीर एनर्जी के लिए कार्ब्स के बजाय फैट जलाएगा। आसान है ना? ऐसा लगता है जैसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल गया हो। लेकिन रुकिए, इसे थोड़ा और डीपली समझते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में आपका शरीर एनर्जी के प्राइमरी सोर्स के रूप में ग्लूकोज का यूज करता है, जो कार्बोहाइड्रेट से आता है। आप जो कुछ भी खाते हैं, जैसे चावल, रोटी और फ्रूट्स, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब आप अपने कार्ब्स में भारी कटौती करते हैं, यहाँ तक कि जीरो कार्ब्स पर भी जाते हैं, आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। यहीं पर आपका लीवर हरकत में आता है और यह जमा हुई चर्बी को तोड़ता है, जिससे कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में 3 मेन कीटोन्स होते हैं। पहला एसिटोएसिटेट, दूसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, जिसे BHB के रूप में भी जाना जाता है, और तीसरा एसीटोन। जी हाँ, ये वही केमिकल है जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। कीटो के दौरान सांसों की दुर्गंध का यही एक मेन रीजन है। एनीवेज, ये कीटोन्स अब शरीर के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं और आपका ब्रेन, हार्ट, मसल्स, सब कुछ उन पर चलने लगता है। सोर्स ऑफ एनर्जी का यह चेंज ग्लूकोज से कीटोन्स तक न्यूट्रिशनल केटोसिस कहलाता है। और अब इस स्टेट में आपका शरीर बहुत तेज गति से जमा हुई चर्बी को जलाता है, क्योंकि इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी अब फैट है। अब आप एक्चुअल में उस साइंस को जानते हैं कि कीटो में क्या होता है और क्यों लोग कीटो डाइट के दौरान तेजी से वजन कम करते हैं। 2004 की एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल कार्डियोलॉजी स्टडी। कीटो पर लोगों ने 24 हफ्तों में 12 किलोग्राम वजन कम किया। इसमें ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर देखा गया। 2008 की अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन स्टडी। कीटो ने बाकी डाइट्स के कंपैरिजन में ज्यादा फैट लॉस और बेहतर मसल गेन दिखाया। लेकिन यहाँ कैच ये है कि ये सभी एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज शॉर्ट टर्म पर बेस्ड थी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। लेकिन उसके बाद क्या, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? इंटरनेट पर कीटो डाइट के बारे में बहुत ज्यादा हाइप है, लेकिन कोई आपको पूरी कहानी नहीं बताता। रियल साइंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर जब बात आपकी हेल्थ की हो। लेकिन सैड रियलिटी यह है कि बहुत कम लोग सच में इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले आइए कीटो डाइट के कुछ रियल बेनिफिट्स देखें। स्टडीज के अकॉर्डिंग कीटो आपको पहले 10 से 14 दिनों में 2 से 4 किलोग्राम वजन कम करवाता है, क्योंकि शुरुआत में पानी का वेट भी कम हो जाता है। कार्ब्स पानी होल्ड करते हैं और बिना कार्ब्स के आपका वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। दूसरा, कम भूख। कार्ब्स की तुलना में फैट्स और प्रोटीन आपको लंबे समय तक भरा रखते हैं, इसलिए आप नेचुरली खुद को फोर्स किए बिना कम खाते हैं, जिससे डाइटिंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। साथ ही इतने कम कार्ब्स की वजह से आपका ब्लड शुगर पूरे दिन स्टेबल रहता है और एनर्जी क्रैश कम होता है।
तीसरा, बेहतर फोकस और मेंटल क्लैरिटी। आपके ब्रेन को कीटोन्स पसंद हैं। कीटो पर लोग अक्सर ज्यादा फोकस महसूस करते हैं, अलर्टनेस में सुधार आता है। ये लगभग ऐसा है जैसे आपका ब्रेन बेटर फ्यूल पर चल रहा हो। चौथा, शॉर्ट टर्म हार्मोनल बैलेंस, खासकर पीसीओएस के लिए। पीसीओएस से पीड़ित कुछ महिलाएं कीटो करने के बाद रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की रिपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर से ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इन बेनिफिट्स को सुनकर एक्साइटेड हों और इसे करने का फैसला करें, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द अदर साइड। ये है कुछ रियल प्रॉब्लम्स जो कीटो के साथ आते हैं, खासतौर पर जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। सबसे पहला, ये सस्टेनेबल नहीं है। कीटो में सबसे मुश्किल चीज खासकर इंडियंस के लिए ये है कि इसे लंबे समय तक फॉलो करना बहुत मुश्किल है। समझो, कार्ब्स कम करने का मतलब है ना रोटी, ना चावल, ना फ्रूट्स, ना आलू मटर जैसी सब्जी, और सबसे मुश्किल ना पार्टी और ना बाहर का खाना। देखो, हर डाइट में कभी कभार चीट मील करना बिल्कुल अलाउड है, और केटो के लिए भी यही बात है। लेकिन केटो के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप चीट मील में भी कोई कार्ब सोर्स नहीं ले सकते। इस इम्पोर्टेंट बात को समझो, आपके शरीर को कार्ब से फैट पर एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में पूरी तरह स्विच होने और कीटोसिस के स्टेट में जाने में समय लगता है, आमतौर पर 3 से 7 दिन। एक बार जब आप हैवी कार्ब मील खा लेते हैं तो कीटोसिस ब्रेक हो जाता है और फिर से कीटोसिस पर जाने में उतना ही समय लगेगा। तो एक मील आपके प्रोसेस को लंबे समय तक इंटरप्ट कर सकता है। इसलिए आप कभी कभी बाहर खा तो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी कार्ब्स अवॉइड करने होंगे। और इंडियंस डाइट में हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें लगभग हर चीज में कार्ब्स होते हैं, तो ये आपको सच में रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अब आप सोच सकते हैं कि कोई भी कितने दिन ऐसे रह सकता है। ज्यादातर लोग 3 महीने के अंदर ही कीटो छोड़ देते हैं। दूसरा, कीटो फ्लू और उसके साइड इफेक्ट। क्योंकि शरीर ग्लूकोज पर चलने का हैबिचुअल होता है, जब आप अपने कार्ब्स 50 ग्राम से कम कर देते हैं तो ये बॉडी के लिए एक शॉक की तरह आता है। पहले 7 से 10 दिन कई लोगों के लिए सचमुच बुरे सपने के जैसे होते हैं, खासकर जब आपने पूरी लाइफ कार्ब डोमिनेंट फूड खाया है। आप में से ज्यादातर लोग सिरदर्द, कमजोरी, नौजिया, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, सांसों की दुर्गंध से पीड़ित हो सकते हैं। इसे कीटो फ्लू कहते हैं। तीसरा, कई महिलाओं के लिए कीटो डाइट पर जाना मिस्ड या इरेगुलर पीरियड्स का कारण बन सकता है। हमारे शरीर को न केवल एनर्जी के लिए बल्कि हमारे हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए एक मिनिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं। जब आप कार्ब्स बहुत ज्यादा कम करते हैं तो आपके शरीर को लगता है कि आप सर्वाइवल मोड में हैं। इसलिए हमारी बॉडी नॉन एसेंशियल सिस्टम जैसे रिप्रोडक्शन को इंटरप्ट करती है। अब ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को कीटो शुरू करने के बाद पीरियड्स इरेगुलर होने की दिक्कत आई है, और कुछ रेयर केसेस में पूरी तरह से पीरियड्स स्किप भी हो जाते हैं। इस स्थिति को हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया कहा जाता है। चौथा, वेरी हाई अमाउंट ऑफ फैट्स। कीटो में आपकी कैलोरीज का 70 से 75% फैट से आता है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट, और ये LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और आगे चलकर दिल की सेहत पर असर डाल सकता है। हार्वर्ड की एक रिव्यू में लंबे समय तक कीटो करने से हार्ट की बीमारी का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी गई थी। पांचवा, मसल लॉस। अगर ध्यान से ना किया जाए तो कीटो मसल्स लॉस का कारण बन सकता है, खासकर जब कैलोरीज बहुत कम हो जाती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। बिना फ्रूट्स, होल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल की कमी होने वाली है, और समय के साथ आपको फाइबर, विटामिन सी, बी विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम की कमी हो सकती है। फाइबर की कमी के कारण आपके पेट के स्वास्थ्य पर डेफिनेटली नेगेटिव असर पड़ेगा। कीटो के दौरान कॉन्स्टिपेशन होना सबसे आम चीजों में से एक है जो लंबे समय में बहुत हानिकारक हो सकता है। बहुत से लोग कीटो पर पतले दिखते हैं, लेकिन उनकी अंदर की हेल्थ पूरी तरह से खराब होती है। उनकी एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, उनका पेट खराब रहता है, हार्ट हेल्थ जोखिम में रहती है, और उनके हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं। आप सेल्फी में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन अंदर से बीमार महसूस करेंगे, और असली हेल्थ ये नहीं है। सच बात तो ये है कि कीटो वेस्टर्न कल्चर के लिए ज्यादा सूटेबल है। वेस्ट में ये बहुत आसान है, उनकी नॉर्मल डाइट पहले से ही इसी तरह की होती है, और वो हाई फैट्स, हाई प्रोटीन और बहुत कम कार्ब्स के बचपन से हैबिचुअल होते हैं। लेकिन इंडियंस के लिए और खासकर वेजिटेरियंस के लिए हमारी पूरी डाइट कार्ब्स के आसपास घूमती है। हमारे घर में एक भी मील ऐसी नहीं होगी जिसमें नेचुरली कार्ब्स ना हो। कार्ब्स इंडियन डाइट के बेस है, इसलिए हमारे लिए कीटो डाइट फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पनीर, टोफू, चीज, बस इतना ही, और ये सब फैट के साथ आते हैं। चना, राजमा, दही, मूंग हमारे प्रोटीन के मेन सोर्सेज, लेकिन इन सब में कार्ब्स होते हैं,
तो ये ज्यादातर नहीं चलेंगे। जरा सोचो, आपके पास बचता ही क्या है। हमारी बॉडी एक ऐसे खाने के हैबिचुअल है जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी दही और फल होता है। मतलब हम पूरी जिंदगी ऐसे ही जिए हैं। अब सोचो ये सब हटा दिया जाए, ये सिर्फ न्यूट्रिशन की समस्या नहीं होगी बल्कि एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। ये एक सैंपल इंडियन वेजिटेरियन कीटो डाइट प्लान है। नाश्ते में 2 चम्मच घी में बनी पनीर भुर्जी और ब्लैक कॉफी, दोपहर के खाने में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल में बनी हुई कम कार्ब वाली सब्जियां जैसे पालक और शिमला मिर्च, टोफू और एवोकाडो, रात के खाने में 2 चम्मच नारियल तेल के साथ पालक पनीर और घी में बनी हुई तोरी, स्नैक्स में नट्स, सीड्स, चीज क्यूब्स। आप हर्बल टी, ब्लैक कॉफी और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स ले सकते हैं, लेकिन याद रखें यह एक्सपेंसिव है, रिस्ट्रिक्टिव है और इसे कम समय के लिए ही करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने। पहला, अपना मैक्रोस ट्रैक करो। माई फिटनेस पैल या हेल्थिफाई मी जैसे एप्स से अपने मैक्रोस ट्रैक करना याद रखें। टारगेट है 70% फैट, 20-25% प्रोटीन और 5-10% कार्ब्स, इसे 30 ग्राम प्रतिदिन से कम रखते हुए। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करो। सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम कीटो फ्लू से बचने के लिए इन्हें रोजाना लें। तीसरा, होल फैट्स खाओ, प्रोसेस्ड जंक नहीं। अवोकाडोस, कोकोनट ऑयल, घी, सीड्स और नट्स चूज करो। पैकेज्ड कीटो बार्स, ज्यादा चीज और फ्राइड स्नैक्स मत खाओ। चौथा, शॉर्ट टर्म रखो, ज्यादा से ज्यादा 4-8 वीक्स, फिर स्लोली बैलेंस्ड डाइट पे शिफ्ट करो, या फिर कार्ब साइक्लिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करो जो इजी है, सस्टेनेबल है और अच्छे रिजल्ट्स के अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी ज्यादा है। कीटो आपको जल्दी रिजल्ट्स दे सकता है। आप जल्दी फैट लूज करेंगे, शार्प फील करेंगे और लीन दिखेंगे, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये रिस्ट्रिक्टिव है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसे फॉलो करना मुश्किल है, खासकर इंडियंस और वेजिटेरियंस के लिए। आप कीटो को एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं और कभी कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल की तरह नहीं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और स्लो रिजल्ट्स से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो। बस अपने शरीर को समझो और उसके साथ काम करो, उसके अगेंस्ट नहीं। ऐसी 2 स्ट्रेटजीज जो लॉन्ग टर्म फैट लॉस में हेल्प करती हैं और हेल्थ बेनिफिट्स भी देती हैं, वो हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग और कार्ब साइक्लिंग। ये आपके हार्मोन्स खराब नहीं करते, सस्टेनेबल हैं, इंडियन लाइफस्टाइल में फिट हो जाते हैं। क्योंकि असली फिटनेस सिर्फ दिखने में अच्छी बॉडी का नाम नहीं है, असली फिटनेस अंदर और बाहर से मजबूत, एनर्जेटिक और पीसफुल फील करने का नाम है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक पूरी गाइड बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जरूर देखें। और अब मैं आपसे वहीं मिलूंगा और मैं अगला वीडियो कार्ब साइक्लिंग पर ही बनाऊंगा। मैंने एक Q&A वीडियो भी प्लान किया है, तो आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में या आपके हेल्थ रिलेटेड कुछ भी हो, आप कम्युनिटी पोस्ट या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो एक लाइक जरूर करना और इसे अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना। फिट रूट्स फैमिली में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। अभी के लिए मैं आपसे इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली वीडियो में मिलता हूं।